खबर मथुरा से। जिलाधिकारी पुलकित खरे तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने कारागार में प्रशिक्षण ट्रेनिंग कार्यक्रम का मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया तथा फीता काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बंदियों को मुख्य धारा से जोड़ने के हेतु एक बहुत ही अच्छी और अनूठी पहल है। जेल हमेशा से एक सुधार गृह के रूप में परिकल्पना करके बनाई गई। जेल आने पर ये माना जाता है कि जो जिसे देखे गए खान पान की जो यहाँ पे किचन में व्यवस्था है वो देखी गई। जो कैदी हमारे जेल के अस्पताल में हैं उनको भी जाके देखा गया। इसके अतिरिक्त कौशल विकास योजना के अंतर्गत आज जेल में 3 नए ट्रेड्स का प्रशिक्षण शुरू कराया गया जी। इसमें जो यहाँ पे कैदी हैं वो अब सिलाई बुनाई का काम भी सीख सकती हैं, जो महिला कैदी हैं। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर पे है अपना कौशल बेहतर कर सकते हैं, डेटा एंट्री का काम सीख पाएंगे और LED बल्ब बनाने का काम। तो इन तीनों ही विधाओं में हैं 30 कैदी हैं अब प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे और ये लगभग 4-5 महीने का प्रशिक्षण रहेगा, जिसके बाद इनको प्रमाण पत्र भी मिलेगा प्रशिक्षण पूरा करने का। और जब ये बाहर यहाँ से रिहा होते हैं एक हुनर इनके पास होगा जी, जिससे ये मुख्य धारा में समाज की लौट सके, अपना खुद स्वरोजगार शुरू कर सके और बैंक के माध्यम से इनको सब्सिडी के साथ लोन भी मिल सके। तो ये कैदियों को मुख्य धारा में लाने की एक अच्छी पहल है जिसको आज हमने मथुरा कारागार में शुरू कराया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे आने वाले 3-4 महीने में ये सभी कैदी इन प्रशिक्षण के माध्यम से अपने हुनर को बेहतर कर पाएंगे। अभी तक की अगर जिला जेल में हम बात करें जो निरीक्षण करा और हर महीने भी हम लोग निरीक्षण औचक रूप से भी करते हैं, तो उसमें खान पान रहन सहन या चिकित्सीय व्यवस्थाओं में कोई इस तरह की कमी नहीं मिली। उसके बावजूद जो जेल प्रशासन है उसको भी निर्देश दिए गए हैं कि सतर्क रहें और साथ ही साथ यहाँ पे जो पारंपरिक रूप से पोशाक बनाने का काम होता था अब उस हुनर को और बढ़ाया गया है। ये जो 3 नई विधाएं मैंने बताई इनके माध्यम से अब ये नई चीजें भी कैदी बना पाएंगे और इससे बाद में वो बेहतर जीवन। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।